सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी की एक न्यू अपकमिंग सीरीज के बारे में, जो कि होने वाली है रियलमी की X7 सीरीज, जिसका आप लोगों को काफी समय से इंतजार था। दोस्तों, इस सीरीज में आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। पहला होगा रियलमी X7 एंड दूसरा होगा इसका प्रो वेरियंट रियलमी X7 प्रो। दोस्तों, दोनों ही फोन के स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे आपको कौन सा स्मार्टफोन इन दोनों में से परचेज करना चाहिए। तो ये जानने के लिए आज की हमारी इस वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, सबसे पहले हम इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। रियलमी X7 में आपको 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से कोटेड होगा। और रियलमी X7 प्रो में आपको 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से कोटेड होगा। साथ ही आपको इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। दोस्तों, ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो रियलमी X7 प्रो में आपको बेटर डिस्प्ले देखने को मिल रही है। एक तो वहां पर आपको सुपर एमोलेड देखने को मिल रहा है, साथ ही आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। सो गाइस, अब हम इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो रियलमी X7 में आपको MediaTek Dimensity 800U देखने को मिलेगा और रियलमी X7 प्रो में आपको MediaTek Dimensity 1000 प्लस का चिपसेट देखने को मिलेगा। दोनों ही चिपसेट 5G होने वाले हैं, लेकिन यहां पर जो बेटर चिपसेट होने वाला है वो रियलमी का X7 प्रो होने वाला है, जिसमें आपको गेमिंग जो है आपकी एक नंबर होने वाली है, यानी कि गेमिंग आपकी काफी ज्यादा बेटर होने वाली है रियलमी X7 प्रो में। हालांकि रियलमी X7 में भी आपको गेमिंग अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, अब हम इनके कैमरे की बात कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। रियलमी X7 में आपको क्वाड रियर सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलेगा, 2-2 मेगापिक्सल के दो कैमरे देखने को मिलेंगे मैक्रो एंड डेप्थ शूट के लिए। साथ ही आपको रियलमी X7 प्रो में भी सेम यही कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। दोनों में ही फ्रंट कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है, यानी कि वीडियोग्राफी इमेज क्वालिटी दोनों से ही आपकी बेटर होने वाली है। दोस्तों, अब हम इनकी बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं। तो रियलमी X7 में आपको 4300mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि आएगी 65W की फास्ट चार्जिंग के साथ। वहीं रियलमी X7 प्रो में आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि आएगी 65W की फास्ट चार्जिंग के साथ। यहां पर आपको रियलमी X7 प्रो में बैटरी ज्यादा देखने को मिलने वाली है एज कम्पेयर टू रियलमी X7। दोस्तों, अब हम इनके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो रियलमी X7 का जो प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 20,000 के समथिंग, यानी 18 से 20,000 में आपको ये रियलमी X7 देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और रियलमी X7 प्रो की प्राइस की बात करें तो वो आपको 25 से 30,000 की रेंज में देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर 25,000 की रेंज में आपको रियलमी X7 प्रो देखने को मिल जाता है तो ये जो है स्मार्टफोन आपके लिए बेटर हो सकता है। आप इसे परचेस करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको MediaTek Dimensity 1000 प्लस का चिपसेट देखने को मिलेगा, कैमरा सेटअप आपको एक नंबर देखने को मिलेगा, साथ ही आपको डिस्प्ले भी इसमें आपको बेटर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। तो मेरी तरफ से रियलमी X7 प्रो आप परचेज कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, आप जो स्मार्टफोन परचेज करना चाहें वो कर सकते हैं। सो गाइस, आप जो है कौन सा स्मार्टफोन परचेज करेंगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।